वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ सॉलिडवर्क्स के बेसिक फीचर्स हम यूज करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, इसमें सॉलिडवर्क्स के कुछ फीचर टूल्स, जैसे कि यहाँ पे फीचर टैब में एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व बॉस, फिर यहाँ पर रिवॉल्व कट, एक्सट्रूड कट, फिर होल विजार्ड। यहाँ पर देखिए, होल विजार्ड में हम होल विजार्ड के बारे में सीखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए कुछ टैप्ड होल भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो आप हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका 2D ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम पहले इसका 2D ड्राइंग समझ लेते हैं कि उसमें हमने कौन कौन सी साइजें कहाँ किस तरह से अप्लाई की है। तो ये है हमारा 2D ड्राइंग, जिसमें देखिए यहाँ पर टॉप व्यू हमने दिखाया है, जिसमें देखिए यहाँ पर जो होल है और जो स्लॉट है उसकी PCD है 90 mm, फिर यहाँ पर इसके जो टैप होल है उसकी PCD 40 mm है, और यहाँ पर देखिए इसकी हाइट 36 mm, फिर यहाँ पर सेक्शन व्यू में सारे डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किए हैं, हमने सारे डायमेंशन यहाँ पर मिलीमीटर में अप्लाई किए हैं। फिर यहाँ पर आइसोमेट्रिक सेक्शन व्यू हमने यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू में इसकी सारी साइज यहाँ पर अप्लाई की गई है। यहाँ पर डिटेल व्यू भी हमने ये मेंशन किया है, जिसकी देखिए ये स्क्वायर कट यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसकी विड्थ 8 mm है और हाइट 4 mm, और 4 नंबर ऑफ रेडियस है, उसकी साइज है 1 mm। तो आप इसका ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू पेज ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसकी साइज फर्स्ट वाले सर्कल की साइज रहेगी 106 mm, फिर यहां पर 24। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहां पर इसकी साइज रहेगी 6 mm, और फिर ओके कर देना है। अब फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। देखिए यहां पर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन हम इस पॉइंट से इसकी हाइट 57, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली इसकी टोटल लेंथ भी अप्लाई कर सकते हैं 63 mm, जो एज इट इज डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई हो गई है, क्योंकि हमारे ड्राइंग में भी यही साइज हमने अप्लाई की है। तो हम अभी ये 63 को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए कर्सर जैसे ही बैक साइड में हम ले जाएंगे वापस, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आर्क में। फिर से लाइन टूल हम यूज करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करनी है, इसे क्लोज कर देना है। अब सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन में आपको इसका टोटल डायमीटर, जो बड़ा वाला डायमीटर, उसकी साइज रहेगी 50 mm। फिर यहाँ पर इसका व्यू हिडन कर दे, जो हिडन लाइन है उसे विजिबल कर देते हैं, और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कोलिनियर कर देना है। यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 30 mm, और यहाँ से इसकी हाइट 10 mm। यहाँ पर इसे टेंजेंट कर देना है, फिर यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। यहाँ पर इसकी साइज 60 mm रेडियस,
तो देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया है। बाय डिफॉल्ट इसकी साइज 24 होगी क्योंकि हमने 24 का यहाँ पे होल अप्लाई किया था। अब फीचर टैब में जाके आपको रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर लाइन जो यहाँ पे एक्सिस लाइन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है 360 डिग्री में। मर्ज रिजल्ट टिक कर देना है, ओके कर देना है। बॉटम फेस सिलेक्ट करनी है, स्केच सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर 28 mm साइज का। फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और 8 mm इसकी डीप रहेगी एक्सट्रूड कट। अब यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर बॉटम में रिवॉल्व कट अप्लाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे तो देखिए इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहां पर 3-point arc सिलेक्ट करना है। फिर से 3-point arc और यहां से इस लाइन के साथ सेट कर देना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन में हम इस पॉइंट से इस लाइन का टोटल डायमीटर रहेगा 36 mm। फिर यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन का फुल डायमीटर 36 और यहां से 40 mm। अब यहां से इस बॉटम लाइन से इसकी हाइट रहेगी 11 mm। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 21.08 mm। आपको ध्यान रखना है इसकी सारी साइज हमने mm साइज में अप्लाई की है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यस डायरेक्टली इस आर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ कोइंसिडेंट कर देना है। साइज यहाँ से बॉटम से इस पॉइंट की साइज रहेगी 1 mm हाइट। फिर यहाँ पर इसकी रेडियस रहेगी 1 mm। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट की होल्ड करनी है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है जो आर्क है, इसे इन दोनों के बीच का गैप रखना है हमें 5 mm। अब यहाँ पर इसकी रेडियस हमें अप्लाई करनी है 24.2। तो देखिए ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस लाइन के साथ इसे क्लोज कर देंगे। फीचर टैब में जाके यहाँ पर रिवॉल्व कट अप्लाई करना है। तो देखिए ये इस तरह से हमें दिखेगा, एक्सिस लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है और ओके कर देना है। रेफरेंस प्लेन में हमें प्लेन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम प्लेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रेफरेंस हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी गैप रखेंगे 36 mm और फिर ओके कर देना है। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
फिर यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ये बड़ा वाला सर्कल है, इसे फॉर कंस्ट्रक्शन के पर्पज से हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। इसी तरह यहां पर इसे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और यहां पर इसे भी टेंजेंट कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन में हमें इसकी हाइट अप्लाई करनी है बॉटम लाइन से इसका मिड पॉइंट, जो 36 mm हाइट रहेगी। और यहाँ पर ये PCD है होल की, तो इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 54 mm। अब यहाँ पर दो सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट से यहाँ से अब इसका एंगल सेट करना है, तो हम यहाँ पर इसका एंगल रखेंगे 45 degree। सर्कल ड्रॉ करना है हमें फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब यहां पर इसकी साइज रहेगी 8 mm और यहां पर इसकी साइज रहेगी 4 mm। लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ से इस लाइन को इसके साथ इस तरह से ड्रॉ करना है, इसके साथ कोइंसिडेंट कर देना है। मिरर एंटिटी में इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। अब सिंपली आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पैरेलल कर देना है। इस लाइन को इसके साथ टेंजेंट कर देना है। अब ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर पावर ट्रिम सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से जो अननेसेसरी आर्क है उन्हें इरेज कर देना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसे जूम करना है, जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी आपको दिखेगी, इन्हें भी हाइड इरेज कर देना है, यानी कि ट्रिम कर देना है। फिर यहाँ पर इस लाइन को, तो देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला स्केच क्रिएट हो गया है। अब हम इसे सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड मैनेजर में जाके यहाँ पर देखिए सर्कुलर स्केच पैटर्न इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पैरामीटर में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटिटी टू पैटर्न, जो एंटिटी आपको सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करनी है उसे सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सर्कल। तो देखिए इस तरह से इसके पैटर्न हमें 4 अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट एज इट इज रखना है और फिर ओके कर देना है। पावर ट्रिम आपको फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी इन लाइन को इरेज करना है। तो देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन यहाँ पे हो गया है। अब हम फीचर टैब में जाके यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बाहर की साइड में यहाँ पे हमें शो हो रहा है, बाहर की साइड में नहीं करना है, हमें रिवर्स कर देना है। और सिंपली आपको यहाँ पे ब्लाइंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको अप टू नेक्स्ट मिल जाएगा, इसे क्लिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, अब इस फेस पर हमें स्केच ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे हम और इसका डायमीटर रहेगा 42 mm। फीचर टैब में एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, इसकी साइज रहेगी ब्लाइंड कंडीशन में 60 mm, 16 mm हमें अप्लाई करनी है और फिर ओके करना है। अब अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है, हम यहाँ पर एक 28 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए इसकी साइज रहेगी 28 mm।
अब फीचर टैब में आपको एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब इसकी साइज रहेगी 6 mm। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक होल अप्लाई करना है, यानी कि एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और इसकी साइज रहेगी 20 mm। 20 mm डायमीटर में आपको फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है। अब आपको यहां पर क्या करना है, डायरेक्ट अप टू नेक्स्ट कर देना है, यानी कि ये देखिए यहां पर इसकी फेस के साथ ही कट लगेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, और फिर ओके कर देना है। अब टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहां पर हमें होल अप्लाई करने हैं, तो इसका डायमीटर 40 mm अप्लाई करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अप्लाई करना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है, होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे टैप होल सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन करेंगे, अनसीमेट्रिक आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर टैप होल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर देखिए साइज इसकी 4x0.7 ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी डीप अप्लाई करनी है, ब्लाइंड कंडीशन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसकी देखिए टोटल लेंथ 12 mm और यहाँ पर थ्रेड की लेंथ हमें अप्लाई करनी है 10 mm, क्योंकि हमारे ड्राइंग में साइज यही अप्लाई की गई है। और फिर पोजिशन में जाना है। पोजीशन में देखिए आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, सर्कुलर स्केच में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न 3 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 अप्लाई हो जाएंगे और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पैटर्न जो टैप होल है वो अप्लाई हो जाएंगे। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं, तो सेटिंग में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिटेलिंग और यहाँ पर इसे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड इसे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये थ्रेड यहाँ पे शो होंगे। फिलेट अप्लाई करनी है, यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 1 mm और जो अंदर वाली जो एजेस है उन्हें सिलेक्ट कर देना है। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट, फिर यहाँ से इसके साथ टेंजेंट कर देना है। तो इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एंगल अप्लाई करेंगे 45 degree। अब यहाँ पर स्ट्रेट स्लॉट में यहां पर देखिए इस तरह से स्लॉट ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की होल्ड करनी है और इसके साथ कोलिनियर कर देना है। और इसकी विड्थ हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने 12 mm अप्लाई की है। तो यहां से इसकी लेंथ 12 mm अप्लाई करनी है। एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहां पे सबसे पहले। अब इसकी साइज अप्लाई करनी है 90 mm, क्योंकि ये पीसीडी हमारी 90 mm है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 90 mm का एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इसे सिलेक्ट कर देंगे। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है
और इस लाइन इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और को इंसिडेंट कर देना है। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसकी साइज 20 mm अप्लाई कर देता हूं। अब यहां पर सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट वाले पैरामीटर में आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। यहां पर फुली डिफाइन कर देंगे कैलकुलेट। चलिए यहां पर फीचर टैब में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट में आप ब्लाइंड कंडीशन 2 mm, देखिए यहां पर हमने इस फेस पर स्केच क्रिएट किया है। तो यहां पर देखिए ये रेडियस, जो रेडियस वाले पार्ट पर ये कट नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन 2 अप्लाई करना है और यहां पर ब्लाइंड कंडीशन अप साइड में यहां पे आप जो भी साइज देना चाहते हैं दे सकते हैं और फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहां पर कट अप्लाई हो जाएगा। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर होल विजार्ड में जाना है। यहां पे सिंपल होल सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक, यहां पे ड्रिल साइज, यहां पर साइज अप्लाई करेंगे 6 mm। 6 mm का ड्रिल साइज हमें अप्लाई करनी है। अप टू नेक्स्ट पोजीशन। पोजीशन में देखिए यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर सर्कुलर स्केच पैटर्न में नंबर ऑफ पैटर्न 6 कर देना है, सॉरी 6, यहां पे 4 है तो 4 सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहां पे होल भी अप्लाई हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस फेस पर सिलेक्ट करना है और स्केच, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहां पे रेक्टेंगल में कॉर्नर रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। इसकी विड्थ रहेगी 8 mm और इसकी हाइट रहेगी 4 mm। यहां से इसकी बॉटम लाइन की हाइट रहेगी 20 mm। और यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। फिर आपको रेडियस यहां पे इसके फिलेट अप्लाई करनी है 1 mm। सिंपली इसे डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे, यस यस और ओके कर देना है। फीचर टैब में एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, अप टू नेक्स्ट और यहां पे डायरेक्शन 2 में यहां पे कोई भी साइज आप अप्लाई करने कर सकते हैं। मैं यहां पे 12 mm ओके कर देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये स्लॉट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। चैम्फर में हम यहाँ पर 0.5 सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड टॉप फेस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और नीचे देखिए यहाँ पर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है।
और ओके कर देना है। 0.5 के चैम्फर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। फिलेट, फिलेट में 1 mm यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। आपको देखिए यहाँ पर 1 by 1 सारी एजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्ट लूप कर सकते हैं। तो ये सारी एजेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा, देखिए बैक साइड में इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इसे आप इंडिविजुअल ही इसकी फेस सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें इसकी आगे की फेस में फिलेट अप्लाई नहीं करनी है। और फिर ओके कर देना। यहाँ पर चैम्फर, यहाँ पे फेस में चैम्फर ऐप को अप्लाई करनी है 0.5। तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से चैम्फर अप्लाई हो जाएगी और ओके कर देंगे। यहाँ पर इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पर मेटल में जाएंगे। मेटल में आपको निकल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कास्ट निकल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कलर, इसका कलर चूज करेंगे हम। कलर में आपको ये वाला कलर आपको सेट करना है। अब यहाँ पर कुछ कट्स हमने अप्लाई किए, उन सबको सिलेक्ट कर देना है। जो होल है उन्हें भी हमें सिलेक्ट करना है। अब यहां पर अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है। स्पेस को छोड़ देते हैं, यहाँ पर इस चैम्फर को सिलेक्ट कर दें। अब आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में आपको अप्लाई करना है सैटिन फिनिश निकल। फिलेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देना है। यहाँ पर रेड कलर अप्लाई कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये मॉडल क्रिएट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही मॉडल्स और प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया प्रोजेक्ट और नया मॉडल लेके। तब तक के लिए गुड बाय।